सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे स्प्लीन के बारे में कि भाई स्प्लीन का साइज़ क्यों बढ़ जाता है, क्यों निकलवाना पड़ता है, निकलवा लोगे तो क्या हो जाएगा शरीर में, कैसी लाइफ स्टाइल हो जाएगा, क्या क्या प्रभाव हो सकता है, सब कुछ समझेंगे स्प्लीन के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए स्प्लीन की, तो स्प्लीन हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे लोग कई बार ऐसे ही निकलवा देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ये। आप अगर देखें यहाँ पर फोटो में तो स्टमक के आसपास आपको ये दिख जाता है, स्टमक के ऊपरी तरफ मिल जाता है। ये बहुत ही कम डिस्कस किया जाने वाला ऑर्गन है क्योंकि इसका यूजेस ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं, लेकिन जितना होता है बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो स्प्लीन हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या करता है? ये करता है कि भाई आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है। कौन सी एंटीबॉडी बनाता है? IgG। तो IgG के ऊपर मैंने एंटीबॉडी बहुत अच्छे से बताया, आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना। ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटीजन से लड़ती है, हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन बनाता है? स्प्लीन बनाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में RBC के फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। RBC की लाइफ क्या होती है? 120 दिन। अब 120 दिन बाद उनको ख़त्म कौन करता है? स्प्लीन करता है। ठीक है, अगर वो ख़त्म नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा RBC बढ़ जाएंगे और डैमेज रहेंगे, कोई काम की नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो स्प्लीन करता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेजम्स एंटीजेंस इनको कौन किल करता है? स्प्लीन करता है। ये ऑर्गन्स जो है ना उसके काम है ये, कोई भी कीटाणु कोई भी वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो स्प्लीन उससे लड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक सुरक्षा प्रणाली है ये। हम बोलते रहते हैं कि इम्यूनिटी, WBC और एंटीबॉडीज़ और ये सब किस पर निर्भर है? आपके स्प्लीन के ऊपर। तो ये स्प्लीन छोटा है, बहुत काम का है। ठीक है, तो इसके यूजेस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भाई एबनॉर्मल RBC अगर कोई सी है तो उसको रिपेयर भी करता है और उसको रिमूव भी कर देता है। कोई RBC ऐसी भाई उसका सेप साइज ठीक नहीं है, लेकिन RBC है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं भाई कि नॉर्मल जो साइज़ होता है स्प्लीन का कितना होना चाहिए। एक कोई व्यक्ति में 12 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई होती है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और मोटाई कितनी होती है ऐसे में? लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के शरीर में ऐसा हो। भाई देखो, एज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक कोई व्यक्ति 50 किलो का है जिसकी उम्र 18 से ऊपर है उसका ये होता है। एज, सेक्स, फैट, ये सब पे डिपेंड करता है। इसका साइज़ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अब बात करें कि ये बढ़ क्यों जाता है। बोलते हैं कि स्प्लीनोमेगैली हो जाता है, एक रोग होता है स्प्लीनोमेगैली, ये क्यों हो जाता है, किन कंडीशंस में बढ़ जाता है? भाई देखो, जैसा हम जानते हैं स्प्लीन आपके रोगों से लड़ने में मदद करता है। जब जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पहुंचेगा स्प्लीन उससे लड़ेगा, इनडायरेक्टली लड़ता है लेकिन लड़ता जरूर है। तो क्या होता है, कई लोगों को बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, बार बार कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। तो ये स्प्लीन क्या करता है कि अपना साइज़ बढ़ा लेता है। सपोज़ आपने शादी में गए, आपने शादी ऑर्गेनाइज करी, आपके घर में शादी है, आपने खाना कितने लोगों को दिया है? 500 लोगों का। और अब क्या होगा भाई, वहाँ पे आ गए 1000 लोग, तो आप क्या करोगे? भगा तो दोगे नहीं लोगों को। भाई थोड़ा आप कोशिश करोगे, चलो ठीक है, थोड़ा एक गार्डन और ले लो, थोड़ी जगह बढ़ा लो, थोड़ा स्टाफ बढ़ा लो, थोड़ा जो वर्कर्स है बढ़ा लो। तो स्प्लीन क्या है, एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या करता है कि रोगों से लड़ने के लिए अपने आप को बढ़ा लेता है। अभी बढ़ा तो लेता है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी मिलते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपका पेट फूल जाएगा, तो दर्द भी होगा थोड़ा बहुत। तो ये स्प्लीन बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात होती है, जाहिर सी बात है, आपका जो ऑर्गन है जो गॉड गिफ्टेड है वो उतना है उतना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बट स्प्लीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, तो वो अपने आप को बढ़ा लेता है। अब इस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है भैया कि निकलवा लो, तो आदमी बोलता है निकाल दो। तो आप खुद सोचो, इतने सारे जो काम मैंने आपको बताए कि भाई एंटीबॉडीज बनाना, एंटीजन को मारना, बीमारियों से लड़ना, RBC को रिपेयर करना, RBC को डैमेज को रिमूव कर देना, ये सब काम कौन करेगा? अगर ये स्प्लीन निकल गया, सपोज आपने निकलवा भी लिया, आपको ऐसा लगता है कोई काम का नहीं है और अगर निकलवा लो जी लेंगे, तो आपको सोचिए ये काम कौन करेगा बॉडी में? तो स्प्लीन को निकलवाना नहीं चाहिए, जिसे बोलते हैं स्प्लीनेक्टोमी बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर आजकल बहुत चल रहा है, स्प्लीन को निकलवा देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, भाई अब करें तो करें क्या, स्प्लीन को निकलवाएं कि ना निकलवाएं? देखो भाई, कोई भी डॉक्टर हो, आप उसको तुरंत बताओ कि आपके इस तरफ दर्द हो रहा है, थोड़ा पेट फूला फूला है, तो अगर आप उसके नीचे लेवल पकड़ लोगे तो डॉक्टर उसको ठीक भी कर सकता है। दवाइयाँ हैं स्प्लीन के साइज़ को कम करने की। सर्जरी कब आती है नौबत की? जब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका है, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो निकलवाना ही पड़ेगा। बट आजकल क्या, लोग इतना सोचते नहीं स्प्लीन के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऐसे निकलवा देती। सपोज कोई निकलवा भी देता है स्प्लीन को,
जैसे तिल्ली बोलते हैं, पहले बताना चाहिए था मुझे, तिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली हम। तो ये क्या है, क्या दिक्कत आ, क्या हो सकता है शरीर में, अब निकलवा लिया। देखो भाई, उस व्यक्ति की लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी, उस व्यक्ति को बहुत डर डर के जीना पड़ेगा। डर डर के इन द सेंस कि भाई उसको हर तरह की हाइजेनिक अपनी आदत को बनाना पड़ेगा, इन्फेक्शन बॉडी में ना जाए। आप हर कहीं का कुछ भी खा नहीं सकते हो, आप बीमारियां जल्दी जल्दी लगेंगी, बीमारियों से फाइट करने में शरीर को टाइम लगेगा, क्योंकि मेन आपने ऑर्गन को निकलवा दिया है, इसलिए आपको टाइम टाइम पर वैक्सीन लेना पड़ेंगे। जो वैक्सीन आप एक बार लेते थे, आप उनको बार बार लेना पड़ेगा, और भी फिर भी उसमें कुछ लिमिटेड ही लाइफ बचती है आदमी की, ऐसा पूरा ज़िंदगी नहीं जी पाता, ठीक है ना, ये बोलना चाहिए ट्रू है। और तो यहाँ पे इसलिए निकलवाना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको ऐसा नहीं निकलवाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इसको अपन दवाइयों से कम कर लें। और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि स्प्लीन का साइज़ कम करने की दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, और इसको भी देखिएगा आप। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।